हेलो फ्रेंड्स, कौर किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। इसके लिए मैंने प्याज को चार टुकड़ों में काट के उसके लीव्स अलग अलग कर लिए हैं। चार से पांच प्याज आप इसमें ले सकते हैं। मेरी एक किलो के करीब भिंडी हैं। अब मैं ऑयल में इनको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूँगी पहले इन प्याज को, जो मैंने लीव्स प्याज के लीव्स अलग करे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा लिया है। अभी इसको हल्का सा फ्राई करने के लिए, कम में भी हो सकता है और मैं ऑयल इसमें से और कम कर दूंगी। ये मैंने प्याज फ्राई करके निकाल दिए हैं। ये मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए और लास्ट के फ्लेवर के लिए रखूंगी, क्योंकि भिंडी तो प्याज है तो थोड़ा सा प्याज उसमें अलग तरीके से डलेंगी एक दो बार। अब मैंने ऑयल कम कर लिया। मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, एक चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। अब मैंने इसमें दो तेज पत्ते बेलीव्स ले लिए हैं। जैसे ही हल्का सा अपना फ्लेवर छोड़ देंगे ऑयल में छोड़ देंगे। देखिए भिंडी को मैंने इस तरह से, बड़ी भिंडियों को तीन उसमें और छोटी भिंडियों को दो में मैंने इनको काट लिया और ऐसे बीच में से चीरा लगा दिया है, जिससे कि उसका फ्लेवर अच्छे से चला जाए। आप भिंडी को बीच में से ऐसे ज़रूर बीच में से खोल दीजिए, तभी ये फ्लेवर इसका अच्छे तक जाएगा। अब मैं सारी भिंडियों को अपने इस ऑयल में शिफ्ट कर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल इस रेसिपी में ज़्यादा लगता है, आप चाहें तो उसको कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही मेरी थोड़ी सी भिंडी फ्राई हो जाती हैं, मैं इनको अलग प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ा सा हमारी रेगुलर जो हम लोग भिंडी बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याज़ा है। देखिए अब मैंने इसमें हल्का एक से डेढ़ चम्मच ऑयल ले लिया है। अब मैंने उसमें दोबारा से जीरा डाल दिया है, ये मैंने डाला चुटकी भर हींग। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला काट के रखा है। दो प्याजे हैं, दो से तीन टमाटर हैं जिनको बारीक बारीक काट के रख लिया है, और दो इंच के करीब मैंने अदरक का लिया है और एक बड़ी गांठ जो होती है लहसुन के लिए। अब मैं ये प्याज मेरी थोड़ा सा, मैं इनको प्याज को फ्राई कर लूँगी इसमें जो बारीक बारीक काटे हैं, साथ में मैंने कटा हुआ अदरक मिक्स कर दिया है। इसको मैं प्याज के साथ ही भून लूँगी। थोड़ा सा इसका मसाला, भुना हुआ मसाला इसके लिए चाहिए होता है। ये भी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाती है। कुछ स्पेशल ना हो, कोई आ रहा हो तो आप भिंडी दो प्याज़ा बना सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप वहाँ के से ज़्यादा साफ़ सुथरा और घर पे आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब मैंने इसमें एक से डेढ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। एक किलो भिंडी थी मैंने, इसलिए इसमें इतना सॉल्ट लिया है, एक बड़ा चम्मच के करीब, और आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया एक चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जैसे ही मिक्स होगा फ्लेवर छोड़ेगा, उसमें मैंने ऐड कर दिया अपने कटे हुए बारीक टमाटर। देखिए जैसे ही मेरा मसाला भून के थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए, मैंने इसमें डाल दिया एक चम्मच देगी मिर्च और एक से डेढ़ चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, साथ में अमचूर पाउडर एक चम्मच के करीब ही, और साथ में एक चम्मच ही गरम मसाला। इसमें और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी मैं, बस ये इन्हीं मसालों से भिंडी दो प्याज़ा बन के तैयार हो जाएगी। देखिए जैसे ही ये मेरा मसाला भुन जाता है, मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट कर लूँगी। ये मसाला मुझे बेसिकली, मैं चाहती हूँ जो भिंडी में जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है उसके अंदर तक चला जाए, तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया हल्का सा। जैसे ही ये सॉफ्ट होता है, मैंने जो भिंडी रखी थी वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। जैसे मेरी भिंडी मिक्स होती है इसके अंदर, देखिए ये मेरा भिंडी तो प्याज़ा ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने जो सबसे पहले प्याजे जो फ्राई करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप लेस ऑयल खाते हैं तो आप इसको कम, इससे भी कम क्वांटिटी के ऑयल में ये बन सकती हैं, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। भिंडी कई तरीके से बनती हैं, पहले भी मैंने मसाला भिंडी अपनी रेसिपी शेयर करी है। ये भिंडी तो प्याज़ा बहुत ही टेस्टी है,
आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं इसको हल्का सा 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। देखिए मेरा भिंडी दो प्याज़ा तैयार है फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याज़ा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।